ट्यूबरेज कॉरपोरेशन में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक है इन्वेस्टमेंट एब्रॉड के बारे में, कैसे आपका बिजनेस आप एब्रॉड में शुरू करोगे उस बारे में आज आपको मैं विस्तार में बताऊंगा। कंट्री का नाम है, देश का नाम है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में आप कैसे आपका बिजनेस शुरू करोगे, कैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे इन तुर्कमेनिस्तान, उस बारे में मैं आज आपको डिटेल्स में बताऊंगा। सो कंट्री का नाम है तुर्कमेनिस्तान। इस वीडियो में मैं कवर करूंगा तुर्कमेनिस्तान का लोकेशन के बारे में, तुर्कमेनिस्तान का पॉपुलेशन, लैंग्वेज और इकोनॉमी के बारे में, करेंसी के बारे में और उसका जो लोकेशन के बारे में, तुर्कमेनिस्तान का इकोनॉमी के बारे में और तुर्कमेनिस्तान में आप कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और कितना खर्चा आता है और किस टाइप का क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है इन तुर्कमेनिस्तान, उस बारे में मैं आपको डिटेल्स में आज बताऊंगा। सो आइए शुरू करते द वीडियो, हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन तुर्कमेनिस्तान, कैसे आप आपका बिजनेस तुर्कमेनिस्तान में शुरू करोगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तुर्कमेनिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं, तुर्कमेनिस्तान में आप कैसे आपका खुद का बिजनेस शुरू करोगे उस बारे में आपको डिटेल्स में बताऊंगा। तो तुर्कमेनिस्तान जो एक देश है सेंट्रल एशिया में लोकेटेड है, सेंट्रल एशियन कंट्री है तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान जो पहला एक सोवियत यूनियन का स्टेट था, सोवियत यूनियन का राज्य था 1991 से पहले। 1925 में तुर्कमेनिस्तान सोवियत यूनियन के अंडर में आ गया था और 1925 से लेकर 1991 तक तुर्कमेनिस्तान एक सोवियत यूनियन का स्टेट बना। और 1991 में जब सोवियत यूनियन 15 कंट्री में डिवाइड हो गया, तुर्कमेनिस्तान को इंडिपेंडेंट मिला और तुर्कमेनिस्तान एक आजाद कंट्री बन गया, इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया 1991 से। सो 1991 में तुर्कमेनिस्तान एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना और तुर्कमेनिस्तान का जो राजधानी यानी कैपिटल का नाम है अशखाबाद। और तुर्कमेनिस्तान का लोकेशन के बारे में बताऊंगा, तुर्कमेनिस्तान का जो आज उज्बेकिस्तान, साउथ में है ईरान एंड अफगानिस्तान और ईस्टर्न पार्ट में है ताजिकिस्तान और वेस्टर्न पार्ट में है कास्पियन सी और अजरबैजान। सो कास्पियन सी आपने मैप में कभी देखोगे तो कास्पियन सी जो है, कास्पियन सी का जो चारों बाजू में ऑयल एंड गैस का रिसोर्सेस है, ठीक है। ऐसे ही अजरबैजान का वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में है कास्पियन सी, तो वो एरिया में अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान, उनका जो तुर्कमेनिस्तान का ईस्टर्न वेस्टर्न पार्ट में आता है कास्पियन सी और अजरबैजान का ईस्टर्न पार्ट में आता है कास्पियन सी। तो कास्पियन सी में नेचुरल गैस और ऑयल का काफ़ी रिसोर्सेस है, ठीक है। तो वैसे ही तुर्कमेनिस्तान के पास नेचुरल रिसोर्सेस है और जो कास्पियन सी एरिया में ईस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न पार्ट ऑफ तुर्कमेनिस्तान में नेचुरल गैस और ऑयल जो रिजर्व है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान वर्ल्ड का फिफ्थ लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है और सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल गैस एक्सपोर्टर है आफ्टर रशिया। रशिया फर्स्ट है नेचुरल गैस एक्सपोर्ट में इन सीआईएस कंट्री में और तुर्कमेनिस्तान सेकेंड में है। तो तुर्कमेनिस्तान ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता रहता है, इसीलिए तुर्कमेनिस्तान एक रिचेस्ट कंट्री है, ठीक है। और तुर्कमेनिस्तान का करेंसी का नाम है मन्नत है, तो याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान का करेंसी का नाम है मन्नत है और अजरबैजान का भी करेंसी का नाम है मन्नत है। तो तुर्कमेनिस्तान का मन्नत का जो वैल्यू है इंडियन रुपीस में आज के तर्क में 21 रुपीस है, यानी 1 तुर्कमेनिस्तान मन्नत इंडियन रुपीस में 21 रुपीस आज के तर्क में मिलेगा, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट की वजह से उनका इकोनॉमी काफी हाई है, ठीक है। तो डिटेल्स में आपको बता दिया और उनका पॉपुलेशन है करीब 59 लाख का पॉपुलेशन है, 59 लाख 40,000 का पॉपुलेशन है तुर्कमेनिस्तान। और इंडियन पॉपुलेशन कितना बताऊंगा, इंडियन पॉपुलेशन काफ़ी कम है, करीब 500 से 600 इंडियंस वहाँ काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पर बिजनेस करते हैं और काफ़ी कम स्किल्ड वर्कर्स, स्किल्ड इंजीनियर्स तुर्कमेनिस्तान का ऑयल एंड गैस कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान का लोकेशन के बारे में बता दिया और डिटेल्स में बता दिया, तुर्कमेनिस्तान का इकोनॉमी के बारे में बताऊंगा, तुर्कमेनिस्तान का नेचुरल रिसोर्सेस आपको बता दिया, ऑयल एंड गैस काफ़ी है उनके पास, सेकेंड लार्जेस्ट
ऑयल सॉरी गैस प्रोड्यूसर इन द सीआईएस कंट्रीज एंड फिफ्थ लार्जेस्ट गैस प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर इन द वर्ल्ड। इसीलिए तुर्कमेनिस्तान का इकोनॉमी काफ़ी हाई है, लेकिन वहाँ का जो जॉब का प्रॉब्लम है, काफ़ी जो फॉरेन कंपनीज का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है, इसीलिए वहाँ का लोगों में काफ़ी नौकरी का प्रॉब्लम्स आता है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि उनका जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट काफ़ी इन्वेस्ट करता रहता है इन इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन एंड ऑयल एंड गैस का इन्वेस्टमेंट में, ठीक है। और सेकेंड उनका सेकेंड इन एक्सपोर्ट में कॉटन है। तुर्कमेनिस्तान का जो एग्रीकल्चर ज़्यादा करके कॉटन ग्रो करता है, इसीलिए तुर्कमेनिस्तान में जो सेकेंड उनका जो प्रोडक्शन प्रोडक्ट है वर्ल्ड को, कॉटन वो प्रोडक्ट, कॉटन और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करते रहता है, ठीक है। तो तुर्कमेनिस्तान का जो मेन डिपेंड करता है ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट के ऊपर, और ऑयल एंड गैस में जो एक्सपोर्ट होता है उसमें गवर्नमेंट को काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है, इसीलिए कंट्री का जो कंट्री का जो इकोनॉमिक काफ़ी हाई में है, और उनका जो इकोनॉमिक हाई है एक्सपोर्ट की वजह से, एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल एंड गैस की वजह से उनका जो करेंसी काफ़ी हाई है, इंडियन करेंसी के ज़्यादा है, ठीक है। और अभी मैं बात करूँगा जो तुर्कमेनिस्तान में अगर इन्वेस्टमेंट आप करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट में सही क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है तुर्कमेनिस्तान में, आपके आगे बताऊँगा। तो पहले आपको बता दूंगा कि तुर्कमेनिस्तान जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है, क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है तुर्कमेनिस्तान, पहले आपको मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए। तो पहले आएगा गैस, ठीक है। सेकेंड में आएगा ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी, कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल, एनर्जी, फूड इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, एग्रीकल्चर लैंड, एग्रीकल्चर, रिटेल, टूरिज्म। सो आपको मैं दिखा दिया, डिटेल्स में दिखा दिया क्या क्या बिजनेस में आप कर सकते हो। फर्स्ट है ऑयल सॉरी गैस, गैस एक्सप्लोरेशन एंड गैस एक्सपोर्ट में आपको स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा और गवर्नमेंट से स्पेशल परमिशन लेना पड़ेगा, और उसमें काफ़ी लंबा प्रोसीजर है। और अगर आप एक बड़े कंपनी हो, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो ये तुर्कमेनिस्तान में गैस एक्सप्लोरेशन और गैस कंपनी आप वहाँ स्टार्ट कर सकते हो, और गैस एक्सप्लोरेशन और गैस एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, और उसके लिए काफ़ी लंबा इन्वेस्टमेंट है। तो वो वर्ल्ड का जो टॉप कंपनीज है, वर्ल्ड का जो टॉप कंपनी जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट कंपनी है, तुर्कमेनिस्तान में जाके कर सकते हैं। सेकेंड में आएगा ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट सप्लाई कंपनी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनी को जो सप्लाई होता है, उनका जो इक्विपमेंट सप्लाई होता है, पाइप्स होता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट सप्लाई होता है, उस कंपनी अगर आप उस टाइप का कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो उज्बेकिस्तान में ट्रेडिंग टाइप का कंपनी रजिस्टर करके आप वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करके ऑयल एंड गैस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट प्रोडक्ट इम्पोर्ट करके आप उज्बेकिस्तान सॉरी तुर्कमेनिस्तान में जो कंपनीज लोकेटेड है उनको आप सप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और आप एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी में आप वहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो। और आता है ये गारमेंट्स, टेक्सटाइल एंड गारमेंट्स। आपको बता दिया मैंने तुर्कमेनिस्तान में काफ़ी कॉटन ग्रो होता है, और सेकेंड उनका जो प्रोडक्ट जो है एक्सपोर्ट होता रहता है कॉटन। सो कॉटन का प्रोडक्ट, कॉटन इसीलिए वहाँ पर काफ़ी सस्ता में मिलेगा। तो अगर आप कॉटन, वहाँ पर कॉटन का जो प्रोसेसिंग प्लांट भी है, तो अगर आप गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इस टाइप का कंपनी बनाते हो, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हो, ठीक है, तुर्कमेनिस्तान में। और आगे आपका रिटेल सेक्टर में, अगर आपके पास ज़्यादा काफ़ी पैसा है, तो आप वहाँ पर शॉपिंग मॉल्स यानी बड़े बड़े जो शॉपिंग हाइपरमार्केट सुपरमार्केट खोल सकते हो, उसमें काफ़ी पैसा आप बना सकते हो। और सेकंड में आ गया, छोटा में अगर करना चाहते हो, तो मिनी सुपरमार्केट्स और ग्रोसरी भी आप वहाँ खोल सकते हो। और ये आता है टूरिज्म सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर काफ़ी ग्रो हो रहा है इन तुर्कमेनिस्तान। तो टूरिज्म सेक्टर में आप टूरिज्म कंपनी, ट्रैवल एंड टूर कंपनी ओपन करके वहाँ काफ़ी पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि वर्ल्ड वाइड काफ़ी टूरिस्ट आजकल तुर्कमेनिस्तान विजिट कर रहे हैं, ठीक है। और क्या स्टार्ट कर सकते हो, तुर्कमेनिस्तान में फॉरेनर्स को लैंड या प्रॉपर्टी खरीदना काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आप तुर्कमेनिस्तान में बिजनेस शुरू करते हो और आपको रेसिडेंसी वीज़ा मिल जाता है, फिर भी आप वहाँ का जो प्रॉपर्टीज़ को आप बाय नहीं कर सकते हो। बाय करने के लिए आपको काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, गवर्नमेंट से काफ़ी स्पेशल परमिशन लेना पड़ता है। इसलिए डिपेंड करते हैं फॉरेन कंपनीज या फॉरेनर्स डिपेंड करते हैं कि लीज के ऊपर। अगर आप एक एग्रीकल्चर
कंपनी हो या एग्रीकल्चर बिजनेस करना चाहते हो, तो तुर्कमेनिस्तान का जो कंपनी बनने के बाद एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी आप LLC कंपनी रजिस्टर करके तुर्कमेनिस्तान का जो एग्रीकल्चरल लैंड को आप लॉन्ग लीज 50 साल 100 साल के तक आप लीज लेके वहाँ पर आप कॉटन ग्रो कर सकते हो और फ्रूट्स वेजिटेबल ग्रो कर सकते हो। तुर्कमेनिस्तान का जो एग्रीकल्चरल लैंड है कॉटन के लिए सुइटेबल है और फ्रूट्स वेजिटेबल के लिए सुइटेबल है। कुछ लैंड उनका डेजर्ट है और कुछ लैंड सुइटेबल फॉर फ्रूट्स वेजिटेबल और काफ़ी अदर क्रॉप्स के लिए। अगर आप फ्रूट्स वेजिटेबल बाकी जो खेती करके एग्रीकल्चर करके तुर्कमेनिस्तान के अंदर और नेबरिंग कंट्री और यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वहाँ पर एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कंपनी स्टार्ट करके तुर्कमेनिस्तान में आप एग्रीकल्चर का बिजनेस शुरू कर सकते हो, ठीक है। और फूड इंडस्ट्री काफ़ी ग्रो कर रहा है तुर्कमेनिस्तान के अंदर। अगर फूड इंडस्ट्री कोई भी आप फूड प्रोडक्ट इन्वेस्टमेंट करके फैक्ट्री स्टार्ट करके फूड प्रोडक्शन करके तुर्कमेनिस्तान के अंदर तुर्कमेनिस्तान के नेबरिंग कंट्रीज और वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो फूड इंडस्ट्री कोई भी फूड इंडस्ट्री आप प्लांट वहाँ पर स्टार्ट कर सकते हो। तो काफ़ी सारे डिटेल्स आपको बता दिया तुर्कमेनिस्तान में। तो छोटा बिजनेस में आप ग्रोसरी स्टार्ट कर सकते हो, मिनी सुपर मार्केट स्टार्ट कर सकते हो, छोटा ट्रैवल एंड टूर कंपनी स्टार्ट कर सकते हो, बड़ा में आप गैस ट्रेडिंग कंपनी और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी कर सकते हो। आप वहाँ पर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट कंपनी स्टार्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में आप डिफरेंट प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड डिफरेंट प्रोडक्ट या इंडिया से फूड प्रोडक्ट कपड़े वगैरह आप इम्पोर्ट करके या मेडिसिन इम्पोर्ट करके वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट काम कर सकते हो। या तुर्कमेनिस्तान में आप ट्रेडिंग कंपनी स्टार्ट करते हो, एक्सपोर्ट कंपनी स्टार्ट करते हो, तो आप तुर्कमेनिस्तान में जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह होता है और जितना ग्रो होता है वहाँ पर कॉटन वगैरह आप वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ये डिटेल्स आपको बता दिया तुर्कमेनिस्तान में क्या क्या बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो और क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी मैं आपको बताऊंगा तुर्कमेनिस्तान में किस टाइप का कितने टाइप का कंपनी बनता है, कितना टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है और क्या प्रोसीजर है और कितना खर्चा आता है। आइए मैं डिटेल्स में बताता हूँ। सो अभी आपको मैं बताऊंगा तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन का प्रोसीजर क्या है और कितने टाइप का कंपनी फॉर्मेशन होता है। तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ तुर्कमेनिस्तान में चार टाइप का कंपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। पहला आता है LLC कंपनी यानी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी यानी प्राइवेट कंपनी। सेकंड में आता है JSC यानी जो आपका जो जॉइंट स्टॉक कंपनी JSC जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी लिमिटेड इंडिया में लिमिटेड कंपनी कहा जाता है और वहां पर JSC कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। थर्ड में आ जाएगा ब्रांच ऑफिस। फोर्थ में आएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस। तो पहले हम बात करेंगे LLC कंपनी क्या है। LLC कंपनी इन तुर्कमेनिस्तान LLC यानी लिमिटेड लाइबिलिटीज कंपनी LLC कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी। LLC कंपनी दो टाइप का वहाँ बनता है, एक तो ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट मोर इन्वेस्टमेंट और सेकंड है कम इन्वेस्टमेंट। तो जो लेस इन्वेस्टमेंट LLC कंपनी होता है उसमें जो शेयर कैपिटल होता है $10,000 शेयर कैपिटल होता है। $10,000 आपको शेयर कैपिटल होगा। छोटा LLC कंपनी अगर आप कोई छोटा दुकान या कोई छोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो पहले आपको LLC कंपनी बनाना पड़ेगा। तो LLC कंपनी जो छोटा इन्वेस्टमेंट है उसमें 10,000 शेयर कैपिटल होगा। 10,000 शेयर कैपिटल जो है तो आपको वहाँ का बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। बैंक आपको इश्यू करेगा सर्टिफिकेट, फिर उसको आपको मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में दिखाना पड़ेगा कि आपने पैसा डिपॉजिट किया। एक साल के अंदर आपको डिपॉजिट रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, फर्स्ट LLC कंपनी बता रहा हूँ, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको LLC $10,000 डिपॉजिट करना पड़ेगा। अगर $10,000 आप डिपॉजिट नहीं कर पा रहे तो पहला $5,000 आप डिपॉजिट कर सकते हो, फिर विद इन ए ईयर आपको बाकी $5,000 आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो ये हो गया मिनी LLC कंपनी, $10,000 मिनिमम शेयर कैपिटल और आपका रजिस्ट्रेशन फीस गवर्नमेंट का जो रजिस्ट्रेशन फीस है $2,200 यानी $2,200 से लेकर $3,000 गवर्नमेंट का फीस रहता है और लॉयर का फीस ज़्यादा रहता है। लॉयर का फीस वहाँ पर $2,000 से लेकर $5,000 रहता है। तो इसलिए मिनी LLC कंपनी अगर खोलना चाहते हो तो आपको बता दें $2,200 से $3,000 गवर्नमेंट का फीस है। $5,000 रहेगा इनिशियल शेयर कैपिटल डिपॉजिट, फिर विद इन ए ईयर $5,000 आपको डिपॉजिट करना है। तो 10,000 डिपॉजिट है गवर्नमेंट का शेयर कैपिटल और आपका लॉयर का फीस है। तो आपको अप्रोक्सीमेटली $15,000 खर्चा होगा मिनी LLC कंपनी, छोटा LLC कंपनी खोलने के लिए $15,000 और बड़ा LLC कंपनी बनाते हो, बड़ा LLC कंपनी उसमें आपका शेयर कैपिटल रहेगा $20,000
$20,000 आपको शेयर कैपिटल रहेगा और पूरा पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा आपका बिजनेस बैंक अकाउंट में, नहीं तो आपको $10,000 पहला डिपॉजिट करिए, फिर $10,000 विद इन ईयर आप डिपॉजिट करिए। गवर्नमेंट का फीस है $2,200 से $3,000 और लॉयर का फीस रहेगा $2,000 से लेकर $5,000। ठीक है, तो बड़ा LLC कंपनी आप खोलोगे तो आपका डिपॉजिट आपका खर्चा हो जाएगा करीब $35,000 to $40,000 खर्चा हो जाएगा। ठीक है, अभी बात करेंगे JSE कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। JSE कंपनी का गवर्नमेंट का जो फीज है करीब 3,000 से लेकर 5,000 गवर्नमेंट का फीज रहेगा JSE कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी। और इसमें जो JSE कंपनी का जो शेयर कैपिटल रहेगा 33,600 आपका जो शेयर कैपिटल रहेगा, ये पैसा आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो जॉइंट स्टॉक कंपनी आप शेयर विद इन तुर्कमेनिस्तान आप शेयर सेलिंग बाइंग कर सकते हो, उनका स्टॉक एक्सचेंज में भाग ले सकते हो और लिस्ट कर सकते हो JSE कंपनी में। तो JSE कंपनी बनाने के लिए करीब $50,000 का खर्चा आएगा इन तुर्कमेनिस्तान, $50,000। तुर्कमेनिस्तान काफ़ी महंगा है, काफ़ी एक्सपेंसिव कंट्री है और लॉयर का फीस काफ़ी हाई है। लास्ट में आएगा थर्ड में आएगा BO यानी ब्रांच ऑफिस। ब्रांच ऑफिस के लिए आपका इंडिया में या आपका होम स्टेट में आपका कंट्री में आपका ब्रांच ऑफिस यानी आपका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होना चाहिए और उस कंपनी का नाम पे आप ब्रांच ऑफिस खोल सकते हो इन तुर्कमेनिस्तान। शेयर कैपिटल जीरो है, शेयर कैपिटल को डिपॉजिट नहीं लगेगा, लेकिन आपको गवर्नमेंट का फीस है $3,000 तो गवर्नमेंट का फीस है एक इस कंपनी का ब्रांच ऑफिस का रजिस्ट्रेशन का गवर्नमेंट फीस है 3,000। लॉयर का फीस रहेगा $2,000 से $5,000 का लॉयर का फीस रहेगा, तो यही खर्चा है। तो ब्रांच ऑफिस बनाने के लिए आपको ऑलमोस्ट $5,000 से $6,000 खर्चा आएगा और आपका डिपॉजिट यानी आपका जो गवर्नमेंट का फीस को लेकर $8,000 तो खर्चा आएगा। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस जो है आप अगर छोटा कंपनी सिंगल कंपनी बनाना चाहते हो, सिंगल पर्सन कंपनी बनाना चाहते हो, तो सेम प्रोसीजर है, आप अकेले जाके कंपनी बना दोगे, रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस बना सकते हो। रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए आपका गवर्नमेंट का फीस है $3,000, लॉयर का फीस है $2,000 से लेकर $5,000 है। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, मार्केटिंग के लिए आपका छोटा ऑफिस रख सकते हो और रेजिडेंसी भी आपको मिल जाएगा। तो चारों कंपनी जो बता दिया, चार कंपनी आप बना सकते हो, खाली ब्रांच ऑफिस और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस के लिए आपको कोई शेयर कैपिटल का जरूरत नहीं पड़ेगा, जीरो शेयर कैपिटल है और आपका खर्चा आ जाएगा $8,000 तो खर्चा आएगा। ठीक है, तो ये चार टाइप का कंपनी बनाने के बाद आपका रेसिडेंसी वीजा मिलेगा। रेसिडेंसी वीजा मिलने के बाद आप अनलिमिटेड टाइम जब तक आपका वीजा है और कंपनी है आप वहां पर रहकर बिजनेस कर सकते हो, रह सकते हो। और तुर्कमेनिस्तान में आप कंपनी बनाने के बाद आपका जो इनवॉइस इशू कर सकते हो, पेमेंट बिजनेस अकाउंट यानी करेंट अकाउंट बैंक में खोल सकते हो, वर्ल्ड वाइड पैसा ट्रांसफर और रिसीव कर सकते हो, लेकिन पैसा एक्सपोर्ट यानी रेमिटेंस जो आप एब्रॉड भेजने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शन है वहाँ पर, वो डिपेंड करता है आप किस टाइप का कंपनी हो और क्यों पैसा भेजते हो, गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। ठीक है, और आपका रेसिडेंसी वीजा मिलने के बाद आपका फैमिली को लेके जाके आप वहाँ रह सकते हो। तुर्कमेनिस्तान में रेसिडेंसी जो आपको मिलता है, आपको रेसिडेंसी सॉरी आप कंपनी फॉर्मेशन से पहले आपको वहाँ पर आपका जो ऑफिस या आपका दुकान जो भी है फैक्ट्री वगैरह लीज लेना पड़ता है, क्योंकि लीज एक साल का लीज लेने के बाद एक साल का रेंट एग्रीमेंट बनने के बाद वो एग्रीमेंट को लेके मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड में डिपॉजिट करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, और विदाउट लीज एग्रीमेंट में आपका कंपनी बनेगा नहीं। अगर आपका कंपनी विदाउट लीज एग्रीमेंट में बनता है, लेकिन जो कंपनीज है ज़्यादा करके सिंगापुर हांगकॉन्ग UK यूरोपियन अमेरिकन और ब्रिटिश अमेरिकन और कैनेडियन लॉ फर्म का ब्रांच ऑफिस है इन असगाबाद तुर्कमेनिस्तान, तो उनका उस टाइप का बड़े बड़े जो लॉ फर्म्स है वो लोग आपका विदाउट ऑफिस में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, लेकिन काफ़ी हाई खर्चा ज़्यादा आएगा। तो उस टाइप का लॉ फर्म अगर आप हायर करोगे तो आपको $20,000 से लेकर $30,000 आपको चार्ज करेंगे प्लस गवर्नमेंट का फीस जो है। इसलिए अगर तुर्कमेनिस्तान में कंपनी बनाना चाहते हो तो आपको तुर्कमेनिस्तान का कोई लॉ फर्म को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, लॉयर्स को कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। तुर्कमेनिस्तान लॉ फर्म्स लॉयर्स आपको मदद करेंगे तुर्कमेनिस्तान में कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपका पासपोर्ट का जरूरत है और आपका जो फोटोज का जरूरत है। आपका तुर्कमेनिस्तान का लैंग्वेज है तुर्कमेन लैंग्वेज कैसा है, जो तुर्किश लैंग्वेज है, तुर्की का जो लैंग्वेज है तुर्किश लैंग्वेज है, सिमिलर तुर्किश लैंग्वेज जैसा है तुर्कमेन लैंग्वेज है, और रशियन लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज चलता है। अगर आप इंडिया में हो और आप इंडिया बिना तुर्कमेनिस्तान विजिट करके आप कंपनी बनाना चाहते हो तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान में कोई लॉ फर्म को ढूंढना पड़ेगा। गूगल में जाइए, सर्च करिए द लिस्ट ऑफ लॉ फर्म्स, द लिस्ट ऑफ लॉयर्स लोकेटेड इन
तुर्कमेनिस्तान असगाबाद, काफी लॉ फॉर्म सबको दिखाई देंगे, आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, वो लोग वो आपको हेल्प करेंगे तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। उससे पहले क्या करना पड़ेगा, तुर्कमेनिस्तान का लॉयर है ना आपको एक भेजेगा द कॉपी सैंपल कॉपी ऑफ आपका पावर ऑफ अटॉर्नी। तो पावर ऑफ अटॉर्नी को लेके आपको लेके रखना पड़ेगा, फिर आपका पासपोर्ट को तुर्कमेन लैंग्वेज में या रशियन लैंग्वेज में बनाना पड़ेगा, ट्रांसलेट करके तुर्कमेनिस्तान एम्बेसी में आपका पासपोर्ट का जो कॉपी है ट्रांसलेशन कॉपी को आप रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और वो पासपोर्ट कॉपी को हमारा मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स, इंडिया का मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स दिल्ली में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और पूरी डॉक्यूमेंट को आपको लॉयर को भेजना पड़ेगा, और आपका पावर ऑफ अटॉर्नी को साइन करके भेजना पड़ेगा। फिर आपका पावर ऑफ अटॉर्नी मिलने के बाद, फिर आपका पेमेंट मिलने के बाद, तुर्कमेनिस्तान में जो लॉयर है आपके लिए कंपनी फॉर्मेशन करेगा, लेकिन आपके लिए वो कंपनी बनाने से पहले आपके लिए ऑफिस या आपका फैक्ट्री या जो भी है आपका जो ऑफिस स्पेस या दुकान का रेंट लीज एग्रीमेंट लेके करना पड़ेगा। तो इसलिए आप उनके साथ बातचीत करके पैसा उनको पेमेंट करना पड़ेगा। आपके लिए दुकान या ऑफिस वो एक साल के लीज लेंगे, या तीन महीने के लिए लीज लेके एक साल के लिए लीज लेंगे, फिर तीन महीने के बाद आप वो ऑफिस छोड़ के दूसरा ऑफिस ले सकते हैं, ठीक है। आपका कंपनी बनने के बाद आपके लिए लॉयर आपके लिए रेसिडेंसी वीजा अप्लाई करेगा, फिर आप तुर्कमेनिस्तान एम्बेसी से अप्लाई करके वीजा लेके आप तुर्कमेनिस्तान जा सकते हो, या तुर्कमेनिस्तान टूरिस्ट वीजा में जाइए, फिर आप वहाँ कंपनी फॉर्मेशन करिए थ्रू द हेल्प ऑफ तुर्कमेनिस्तान का जो लॉ फॉर्म से। और अगर आप कंपनी बनाना चाहते हो या कंपनी आपको तुर्कमेनिस्तान में बनाना चाहते हो, तो आप लॉ फॉर्म को कॉन्टैक्ट करिए इन तुर्कमेनिस्तान। अगर आपको हमारा मदद चाहिए तो हमारा कंपनी ट्यूबलेस कॉर्पोरेशन आपको मदद करेगा तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन के लिए। अगर आप हमें कॉन्टैक्ट करिए तो तुर्कमेनिस्तान का डिटेल्स बता दिया कितना खर्चा आता है कंपनी फॉर्मेशन में। आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे तुर्कमेनिस्तान में कैसे कंपनी फॉर्मेशन होगा, कैसे आपको रेसिडेंसी वीजा मिलेगा। हमारे काफ़ी सारे तुर्कमेनिस्तान में एसोसिएट लॉ फॉर्म्स कॉन्टैक्ट हैं, तो हम आपको मदद करेंगे तुर्कमेनिस्तान में कैसे आपका कंपनी फॉर्मेशन होगा, कैसे आपको रेसिडेंसी मिलेगा। तो डिटेल्स आपको बता दिया तुर्कमेनिस्तान में कैसे कंपनी फॉर्मेशन करोगे, कितना खर्चा आएगा, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्या है, वीजा क्या है, सब कुछ डिटेल्स बता दिया। अगर तुर्कमेनिस्तान में कंपनी फॉर्मेशन करना है, तुर्कमेनिस्तान में बिजनेस करना है, तो आप कोई भी लॉ फॉर्म को कॉन्टैक्ट करिए तुर्कमेनिस्तान, या हमें आप कॉन्टैक्ट करिए, हम आपको मदद करेंगे। सो आशा करते हैं हमारा ये डिटेल्स वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए आपको फ्रेंड्स के साथ, और आप वीडियो को आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आने वाले काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट वीडियोज मैं आपके लिए ला सकूँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, आने वाले आगे वीडियो में मिलूंगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।